दीदी आप आइए ना। अच्छा कृष्णा, आज तक पिंटू जी की सेवा हम करते आए, मगर अब से ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, ये लो। और हाँ, देखना जब तुम पिंटू जी को अपने प्यारे प्यारे हाथों से चाय पिलाओगी ना, तो उनको कितना अच्छा लगेगा। अरे हाँ कृष्णा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे भैया आते होंगे कलेवा लेके। सुनिए सुनिए, उठ जाइए, देखिए चाय तैयार है, उठिए, सुनिए चाय तैयार है। सुनिए चाय तैयार है, उठ जाइए, देखिए हम चाय लेकर आए आपके लिए, उठ जाइए। कैसा तरीका किसी को जगाने का? आपको कितना आवाज दे रहे थे हम, आप तो टसे मस नहीं हुए, और हमारा बाल भी फंस गया था। ये तरीका जैसा भी था अच्छा था। चाय पी लीजिए, तैयार भी होना है, भैया आ रहे हैं कलेवा लेकर। तुम्हें पता है ना कलेवा आ रहा है, फिर भी तुम ऑफिस जा रही हो? जी वो जरूरी मीटिंग है। ठीक है, अगर तुम आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो कलेवा वापस भेज देंगे। वैसे तुम चाय तो खुद पी नहीं होगी, वो कहे ना हमको यहाँ कोई और कब दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए पहले बैठो और हमारे साथ चाय पियो। हमको आदत है, जब से है जाना मैंने खुद को मोरे पिया जी, माना तुम्हें को अपना, खुद को मना लो लेकिन मानी ना मंजरा जी, मेरा भी हो तेरे सिवा, मांगो भी आ
एक हफ्ते की छुट्टी ली है ना, इसका मतलब कि हम प्रोग्राम बना सकते हैं। हाँ, कौन सा प्रोग्राम? जाने का। ये अफसर को सब कुछ समझाना पड़ेगा। हेलो। अरे नहीं नहीं, हम तो जाग गए। का कृष्णा, क्या हुआ? ऑफिस से फोन आया था। मंत्री जी अचानक भागलपुर आने का कार्यक्रम बना लिए, इसी हफ्ता में आ रहे हैं। हमारा छुट्टी तो अफसर से शादी की है, ये सब तो होना ही था। अरे कोई बात नहीं, हम कहाँ भागे जा रहे हैं, कभी फिर चलेंगे। हमको थोड़ा देर के लिए ऑफिस जाना होगा, भैया आ रहे हैं कलेवा लेकर, पता नहीं कैसे होगा। अरे करना का है, ऑफिस जाओ, अपना काम करो। कृष्णा, ये तुम्हारा फर्ज है। वही रुक जाओ, हमारे घर में रिवाज है, नई दुल्हन सवा महीने तक रसोई में पैर नहीं रखती। रवि बेटा, सामान सब अच्छा से देना और रसम पूरा करके वापस आना। ये बात का ध्यान रखना बेटा, वो तुम्हारी बहन की ससुराल है। रवि बेटा, तुम जरा ध्यान से देखना कि गंगा जी कृष्णा के साथ कैसा व्यवहार करती है। काहे कि कृष्णा का स्वभाव हम जानते हैं, वो सारा दुनिया का मुसीबत अपना सर पे झेल लेगी पर कभी हमको कुछ नहीं बताएगी। तुम चिंता ना करो माँ। तुम्हें पता है ना कलेवा आ रहा है, फिर भी तुम ऑफिस जा रही हो? जी, वो जरूरी मीटिंग है, हमको जाना ही होगा।
लेकिन हम समय पर वापस आ जाएंगे। और अगर टाइम पर नहीं आ पाई तो? अरे गंगा देवी, उस समय पर वापस आ जाएगी। समय का अहमियत पता है उसको, तभी तो इतनी बड़की अफसर है। नहीं नहीं बहू, तुम जल्दी से जाओ, अपना मीटिंग खत्म करके जल्दी जल्दी वापस आ जाओ। ठीक है, अगर तुम आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो कलेबा वापस भेज देंगे। ये सब आप क्या कह रही हैं? क्यों, तुम ठीक है तो कह रहे हैं, भूल गए हमको आशीर्वाद देने के लिए मना रहे थे ना? समझाओ, सिखाओ अपनी पत्नी को। हम जानते हैं कि वो बड़की अफसर है, बीडीओ ऑफिस जाना है, तो हम कैसे रोक सकते हैं? लेकिन ये मत भूलो, हम उसके पति की माँ भी है, इसीलिए अगर वो कलेवा के रस्म के लिए वापस नहीं आ पाई तो ये कलेवा नहीं होगा। छोटी दुल्हन, इतना सोचो मत, हम तुम्हारी सास जी को मना लें, जो भी हो एक कलेवा होगा। अरे हम उनको आशीर्वाद देने के लिए मना लिए तो कलेवा के लिए नहीं मना सकते का? जीती रह, जीती रह। कचा। ए, ए, पिंटू सिंह, कहां जा रहे हो? दुल्हन को ऑफिस नहीं छोड़ने जाओगे का? बाबूजी हम सोचे कि वो वीडियो की गाड़ी में चढ़ी जाएगी। बेटा इतना तो समझो कि शादी के बाद पहली बार बहू ऑफिस जा रही है, अब तुम उसको छोड़ने जाओगे तो उसको अच्छा लगेगा। तुम यहाँ खड़े खड़े गर्दन का हिला रहे हो, जाओ जल्दी। अरे जाओ नहीं तो निकल जाएगी वो। जी आप पिंटू सिंह, फाइल आज हमको वीडियो ऑफिस में जमा करवाना था। हम सोचे थे कि कृष्णा दुल्हन को दे देंगे, वो जमा करवा देगी, पर जल्दबाजी में हम भुला गए। तुम एक काम करो, ये फाइल कृष्णा दुल्हन को दे दो, वो वीडियो ऑफिस में जमा भी करवा देगी और साथ ही साथ उसका जांच भी हो जाए। जी शाबाश शाबाश शाबाश। Did it?
मंगल तुम ऑफिस जाओ, हम आ जाए। कृष्णा, हम जानते हैं कि तुम परेशान, कि अगर तुम सही समय पे घर नहीं पहुंची तो तुम्हारा कलेबा स्वीकार नहीं होगा। लेकिन क्या हम तुमको एक बात बताएं, चाहे काम कितना भी मुश्किल और कठिन क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम सच्चे मन से ठान लो तो तुम उस काम को यूं कर लो। देखिए जी, कुछ खा नहीं रही है। कुछ बोल भी नहीं रही है। नहीं, हमको तो बड़ा घबराहट हो रहा है। पिंटल वाला डॉक्टर आने वाला। हाँ, बड़ा काबिल डॉक्टर है, बड़का बड़का मरीजों को ठीक किया है। अपनी पिंकी तो तनिए सी बीमार है ना। कोई लड़का दान को बिया पिंटू सिंह से हो गया। डॉक्टर बाबू आ गए, आइए डॉक्टर बाबू। मेंटल वाला एक डॉक्टर है। ये मेंटल डॉक्टर यहाँ कहाँ है? अरे डॉक्टर साहब। बेटा मैं एक डॉक्टर हूँ, तुमसे ऐसे कुछ बातें करनी है। आप बोलिए। देखिए आप लोग दूसरे रूम में बैठ कीजिए, मुझे इनसे कुछ अकेले में बात करनी है। जी जी, आइए देहाती, आइए आइए, बैठो बेटा। माँ कहाँ हुआ, काहे इतना परेशान हो? देखो चाय भी ठंडा हो गया, हम फिर गरम करके लाते हैं, पी लो। अरे नहीं, चाय वाय रहने दो, तुम पहले रवि को फोन करो, अब पूछो कि सब सामान ठीक से रखा है कि नहीं। अभी भी पूछो कि कहाँ पहुँचा है। फायदा रवि को बार बार फोन करने का, वो वहाँ पहुँच जाएगा तो फोन कर देगा। हाँ माँ जी, अब खामोखा चिंता कर रही है। दामाद जी वो बड़का लोग है, अरे सामान में कुछ ऊंच नीच हो गया तो हमारी कृष्णा को ही भोगना पड़ेगा। टुनटुन भैया बोले कि उन्हें लेन देन नहीं चाहिए। हाँ माँ, और ऐसा चिंता करने से क्या होगा? अब तुम हमको समझाने मत बैठो। पर माँ हमारी बात तो सुनो। अरे कुछ नहीं होगा बेटा, जब तक रवि कलेबा का विधि अच्छी तरह से करके यहाँ आके इनको बता नहीं देता कि कृष्णा खुश है, तब तक कौनो कुछ नहीं कर सकता। आप तो जैसे अंतर्यामी हो गए हैं ना, सबके मन का बात जान लेते हैं। अरे हमको कृष्णा का चिंता हो रहा है तो आपको ठिठोली सूझ रहा है। जानते कि वो बड़की अफसर है, बीडीओ ऑफिस जाना है तो हम कैसे रोक सकते हैं। लेकिन ये मत भूलो, हम उसके पति की माँ भी है, इसीलिए अगर वो कलेवा के रस्म के लिए वापस नहीं आ पाई तो ये कलेवा नहीं होगा। क्या हुआ, यहाँ कहाँ रुके, देरी हो रही है। कृष्णा, हम जानते हैं कि तुम परेशान, कि अगर तुम सही समय पे घर नहीं पहुंची तो तुम्हारा कलेबा स्वीकार नहीं होगा। लेकिन क्या हम तुमको एक बात बताएं, चाहे काम कितना भी मुश्किल और कठिन क्यों ना हो,
लेकिन अगर तुम सच्चे मन से ठान लो तो तुम उस काम को यूं कर लेते। कृष्णा, तुमको हमारा बात पे यकीन तो है, तो फिर परेशान मत, तुम जो भी जानते उसे ठान लो, वो पूरा हो जाएगा। मैं अफसर बिटिया